हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल रेसिपी। और आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि फाउंडेंट केक जब हम बनाते हैं तो उसके लिए बेस कैसा होना चाहिए, यानी कि हमारा जो केक का बेस होता है वो कैसा होना चाहिए जिससे हमारा एक फाउंडेंट केक, परफेक्ट केक हम बना सकते हैं। तो चलिए आज मैं उसका ही वीडियो आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि फाउंडेंट की डेकोरेशन की वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने डेकोरेशन की वीडियो आपसे नेक्स्ट पार्ट में शेयर करूँगी। तो आज मैंने फाउंडेंट केक का जो बेस बनाते हैं तो उसके लिए वीडियो बनाया है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। गाइस, मैंने वीडियो में बहुत से टिप्स और ट्रिक्स बताए हैं जो हमें फाउंडेंट केक बनाते समय ध्यान देना है, और थिक गनाश कैसे बनाते हैं उसका भी मैंने बताया है आपको। तो चलिए, ये मैंने ले लिया है चॉकलेट जिससे हम गनाश बनाने वाले हैं। अब ले लेते हैं विप क्रीम। ये देखिए, मैंने मेज़रमेंट के हिसाब से ले लिया है। अब हम डबल बॉयलर पे चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा गनाश बनकर रेडी हो गया है। फाउंडेंट की केक के लिए हमें गनाश थोड़ा थिक बनाना पड़ता है, जिसमें हमें क्रीम की क्वांटिटी कम डालनी पड़ती है और चॉकलेट की क्वांटिटी ज़्यादा डालनी पड़ती है। तो चलिए अब हम गनाश को छान लेते हैं। इससे क्या होगा, जो हमारे चॉकलेट के पार्ट अच्छे से मेल्ट नहीं हुए होंगे तो वो छन्नी में छनकर अलग हो जाएंगे और हमें एक स्मूथ गनाश मिल जाएगा। और गाइस, क्या करना है हमें, इस गनाश को छानकर हमें प्लास्टिक रैप से कर फ्रिज में रखना है। ओवरनाइट आप रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें थिक गनाश बनाना है। तो इसके लिए हमें बिल्कुल इसे अच्छे से सेट करना पड़ेगा। तो मैं इसे ओवरनाइट रखने वाली हूँ। अगर आप नहीं रख सकते तो आप एक दो घंटे के लिए ज़रूर रखें फ्रिज पर। तो ये देखिए, मेरा गनाश रेडी हो गया है, बिल्कुल थिक अभी तो बिल्कुल जम गया है गनाश। और प्लास्टिक रैप से आप ज़रूर करके रखें, और फ्रीज़र पे नहीं रखना, हमें सिंपल फ्रिज में रखना है। तो ये देखिए, अभी ये हार्ड है, अभी जब ये रूम टेम्परेचर पर हो जाएगा तो मैं इसे बीट कर लूँगी व्हिपिंग मशीन से। तो चलिए, अभी गनाश को साइड में रख देते हैं अच्छे से मेल्ट होने के लिए, तब तक हम केक बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं शुगर सिरप अप्लाई कर देती हूँ जिससे हमारा केक थोड़ा सा सॉफ्ट रहेगा। तो ये देखिए, मैंने चॉकलेट गनाश को फेंट लिया था व्हिपिंग मशीन से। तो ये देखिए, इतना थिक गनाश हमारा बनकर रेडी हो गया है। अगर आपका चॉकलेट गनाश बहुत ज़्यादा थिक है तो आप इसमें हॉट वाटर, यानी कि हमें बिल्कुल पानी गर्म करना है और अच्छे से उसे गनाश में मिक्स कर लेना है, जिससे क्या होगा, थोड़ा सा हमारा गनाश स्मूथ हो जाएगा और वो अच्छे से केक पर अप्लाई करने में हमें आसानी होगी। तो चलिए, मैं थोड़ा सा इसमें, देखिए मैंने थोड़ा सा गर्म पानी मिक्स कर लिया है और गनाश को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लिया है, जिससे मुझे केक में अप्लाई करने में इसमें दिक्कत नहीं होगी। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं अगर आपका गनाश हार्ड बन गया है थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स, अगर आप फाउंडेंट केक बना रहे हैं घर पर तो आप उसमें व्हिप क्रीम अप्लाई नहीं करिए, क्योंकि व्हिप क्रीम क्या होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, फाउंडेंट बहुत हैवी होता है तो वो उसका वेट नहीं उठा सकती। या तो आप बटर क्रीम का यूज़ करिए, और या तो आप गनाश का यूज़ करिए। इससे क्या होगा, फाउंडेंट का जो भारीपन होता है वो बिल्कुल उठा सकता है हमारा गनाश और ये बटर क्रीम। तो मैं यहाँ पे और गनाश अप्लाई कर देती हूँ, जिससे हमारा केक जो है बिल्कुल स्मूथ रहेगा और फाउंडेंट जब हम इसमें कवर करेंगे तो वो इजीली अच्छे से सेट हो जाएगा। फ्रेंड, जब आप केक पर गनाश अप्लाई कर दें तो उसके बाद आप फ्रिज पर रख दें केक को, जिससे वो थोड़ा सा सेट हो जाएगा। तो ये देखिए, मैंने फ्रिज पर रख दिया था और ये हमारा गनाश बिल्कुल सेट हो गया है, यानी कि कड़क हो गया है। तो अब हम फ्रेंड गर्म पानी में इस स्पैचुला को डिप करके चॉकलेट केक को बिल्कुल स्मूथ करने वाले हैं, यानी कि चिकना कर देंगे, जिससे हम जब फाउंडेंट अप्लाई करेंगे तो वो बिल्कुल अच्छे से चिपक जाएगा और बिल्कुल फ्लैट दिखेगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा फाउंडेंट केक के लिए जो बेस है वो रेडी हो चुका है। तो ये अभी ठंडा है। इसके ऊपर जब आप फाउंडेंट से कवर करेंगे, फाउंडेंट से डेकोरेशन करके अपना केक कंप्लीट कर लेंगे, तो आप एक डेढ़ घंटे के लिए इसे रूम टेम्परेचर पर ही रहने दीजिएगा। फ्रिज पर हमें नहीं रखना है इसे, वरना ये हार्ड ही रहेगा। तो अगर ये रूम टेम्परेचर पर रहेगा तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, बिल्कुल मर्ज हो जाएगा फाउंडेंट में। तो ये हमारा फाउंडेंट केक का बेस जो है वो रेडी हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फाउंडेंट केक की डेकोरेशन बताऊँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।